उज्जैन के महाकाल मंदिर से कानपुर कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक विकास दुबे पॉल के नाम की फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर रहा था। वो राजस्थान के कोटा से सड़क के रास्ते उज्जैन पहुंचा था। विकास दुबे के साथ ही एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी के जरिए उज्जैन पहुंचा था वो गाड़ी लखनऊ के इंदिरा नगर के रहने वाले मनोज यादव के नाम से दर्ज है। इस कार को 2019 में खरीदा गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पूरे उज्जैन में तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान एक गाड़ी मिली जिस पर लखनऊ का नंबर और हाईकोर्ट लिखा है। पुलिस गाड़ी को थाने ले आई, जिसके बाद गाड़ी को ढूंढते हुए दो लोग थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये मेरी गाड़ी है। जिसके बाद उज्जैन के थाने में पहुंचे दोनों लोगों ने अपने आप को वकील बताया और कहा कि वो उज्जैन घूमने आए थे। इसके बाद दोनों वकीलों को पुलिस ने थाने में बिठा लिया है और पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस को शक है कि विकास दुबे इसी कार से उज्जैन आया था। फिलहाल दोनों वकीलों से पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ डेस्क।